कि ये ब्रह्मास्त्र और कुछ नहीं आज के जमाने का परमाणु बम था। जुलाई 16, 1945 इसी तारीख को पहले परमाणु बम का टेस्ट हुआ और ये सफल भी रहा। जिन्होंने ये बम बनाया था उनका नाम था सर जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जब उनसे पूछा गया कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, उन्होंने साफ कह दिया कि महाभारत के ब्रह्मास्त्र से। तो क्या सच में 1000 साल पहले परमाणु वेपन थे? क्या उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत थी कि परमाणु बम उन्होंने बना लिया था? कहा जाता है कि कई साल पहले सर जूलियस रॉबर्ट इंडिया आए थे और उन्होंने महाभारत का अध्ययन किया था। महाभारत में ही उन्हें ब्रह्मास्त्र का सबसे पहला उल्लेख मिला और उसी से ही उन्हें परमाणु बम बनाने की प्रेरणा मिली थी। बहुत से लोगों का तो यही कहना है कि ये सच है। ऐसे कई जगह है जहां ब्रह्मास्त्र का वर्णन कुछ इस तरह मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया था तब जमीन हिल उठी थी, पानी पहाड़ जैसा बन गया था और सब जानवर इधर उधर भागने लगे थे। तो क्या सच में आज के जमाने का परमाणु बम कई साल पहले का ब्रह्मास्त्र था? सवाल तो यही आता है, अगर आज इसकी तुलना परमाणु बम से की जाए तो काफी हद तक इनमें साम्यता दिखती है। ये सब सुन के मन में बस एक ही सवाल आता है कि ब्रह्मास्त्र कोई उन्नत प्रकार का शस्त्र था जिसे कई साल पहले बनाया गया था। तो क्या सच में एक ब्रह्मास्त्र एक परमाणु बम था? सोचने वाली बात है। Few people cried. Most people were silent. I remember, lines from Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu. Is trying to persuade the prince. He should do his duty. And to impress him, takes on its multi-armed form and says, now I am becoming death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another.